अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वलीस्लम और आप देख रहे हैं फ्रेम इन टीवी। आज हम लोग जा रहे हैं यूएई अपने बड़े अच्छे दोस्त जनाब फैसल शाजी के साथ, और हम आपको यूएई में घुमाएंगे फिराएंगे और दिखाएंगे कि यूएई में लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खासतौर पर हमारी जो लेबर है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। क्योंकि पाकिस्तानियों में बहुत से लोगों को ये चाव होता है कि हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करनी है, और उनको इस चीज़ का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। ज़ाहिर तो ये सब चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, लेकिन जब आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो और फिजिकली वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार अपना मुल्क जो है वो अपना मुल्क ही है। चाहे इंसान यहाँ पे कम पैसे कमाए या ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन लोग जो है ना वो ज़्यादा पैसों की लालच में बाहर जाने का शौक़ रखते हैं, दायरे गैर में जाए और वहाँ पर जाके मेहनत मजदूरी करें। हमारे साथ रहिएगा जी। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं फैसल भाई, और हम लोग स्टेप पे प्लेन में बोर्डिंग हो चुकी है हमारी। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और जैसे हम लोग यही पहुँचते हैं हम लोग ज्वाइन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी व्यूअर्स। तो हम लोग दुबई पहुँच चुके हुए, ये हमारा सामान गाड़ी पर रखा जा रहा है। शाजी हमारे दोस्त, शाजी कैसा सफ़र रहा आपका? बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। अली भाई के साथ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल, लेकिन मैंने बड़ा इन्जॉय किया और बड़ा कुछ देखने को मिला। अली भाई थैंक यू सो मच फॉर योर कंपनी। यूर सभी गाड़ी में बैठते हैं और इंशाल्लाह फिर आगे आपसे दफ्तर पे जाते हैं। आप सोच रहे मास्क क्यों पहना, यहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा है, मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आप इधर आ जाओ। ये देखिए जी, शाहजी बैठ गई गाड़ी में और हम भी गाड़ी में बैठ लेंगे। यस, अभी हम लोग इस टाइम पे पार्किंग में हैं, ड्राइवर भैया का वेट कर रहे हैं। शाजी दी ग्रेट, भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। शाजी आप थक गए होंगे सफर में? है नहीं, थकान तो ये यार, लेकिन ये काफी अच्छा मजा पड़ा है। अच्छा जी, हाँ जी, बड़ा सफर को एंजॉय किया है और नेक्स्ट अभी तो पहुंचे हैं, अभी तो आगे बड़ी एंजॉयमेंट है। अभी तो जो है ना वो स्टोरी स्टार्ट हुई। किस तरह की एंजॉयमेंट करना चाह रहे हैं आप दुबई में? जी जैसे मैंने सुना हुआ था दुबई के बारे में यार, मैं वैसे ही करना चाहता हूं। सब में तो आप यही होंगे। यार से दुबई में मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे पिछले तकरीबन कोई 2-3 दिन से बारिशें चल रही है, वेदर बड़ा अच्छा है। और वैसे जब हम लोग आते थे यहाँ पे तो बड़ी गर्मी हुआ करती थी, इस दफा वेदर अच्छा है, सो बड़ा मजा आने वाला है। हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं। जैसा आपने सुन रखा है कि दुबई की लाइफ बहुत फास्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे। और ये आप आगे जो कैब देख रहे हैं जो हमारे पास है, ये भी गुजरी है, कैमरे कार है, लेकिन ये यहाँ पे एज अ टैक्सी यूज होती है। मैं तकरीबन 3 साल के बाद दुबई आया हूँ, और पहले दुबई काफ़ी डेवलप था, लेकिन अभी मजीद इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। क्यों निसार भाई, एम आई राइट? हाउ योर लाइफ इज गोइंग? यू फ्रॉम पाकिस्तान? विच सिटी? जेलम। जेलम पापा क्या हाल है? ठीक हो पापा? और ना सुनाओ निसार भाई बड़ी ग्रेट पर्सन है जी। नासिर भाई, निसार भाई, निसार भाई जो है ना ये बड़े पंक्चुअल और बड़े जबरदस्त बंदे हैं, चॉकलेट हीरो हैं। देखें सिग्नल्स की वजह से यहाँ पे बड़ी पाबंदी करनी पड़ती है। यहाँ पे रेड सिग्नल वायलेंस इज इक्वल टू मर्डर। ये जी जो कैब आपको मैं बता रहा हूँ, ये कैमरे कार, ये यहाँ पे एज टैक्सी चलती है। यहाँ पे 4 से 5 कंपनीज हैं जो टैक्सी कंपनीज हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए RTA है, जो जिस तरह हमारे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी वो इदारा होता है, इस तरह यहाँ पे RTA है। हर चीज़ ये लोग जो है बड़ी नाप तोल के रखते हैं। ये सामने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है, आप इसका कार्ड बनवाएं और यहाँ पे मर्जी घूमें फिरें। ठीक है, मुख्तलिफ रूट्स होते हैं इनके। हम लोगों ने लैंड किया टर्मिनल 3 पे और टर्मिनल 3 ने मैं थका दिया। इसके सामने एक क्लॉक टावर है, दुबई का मशहूर क्लॉक टावर। ये इस टाइम पे हम ऑलमोस्ट डेरा दुबई में फिर रहे हैं, इसको डेरा दुबई कहा जाता है। और मेरे ख्याल में सामने मनखुल ब्रिज है या मखदूम, इस साइड पे है। अभी हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान होता तो यहाँ पे सिग्नल पे माशाल्लाह वो काम हो रहा था जब कभी आप याद रखते हैं। मरकबात, ये जी मरकबात रोड है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे लोग जो हैं बेड स्पेस पे रहते हैं। दुबई में लेफ्ट हैंड ड्राइव है और ये यहाँ पे सेंटर है, डिस्काउंट सेंटर अल कबायल। ये देखिए लाइक सुपर स्टोर टाइप होता है, ये यहाँ पे सब कुछ मिलता है तकरीबन। कोई वार्डन नहीं, कोई पुलिस ट्रैफिक ऑफिसर आपको नजर नहीं आएगा। होते हैं लेकिन यहाँ पे जस्ट आते हैं, टिकट लगा के चले जाते हैं। ऐसे ही है ना निसार भाई, कैमरे आपको चेक करते हैं ना, और जहाँ पे कैमरा आपको लग गया आपके पॉइंट्स गए। फाइन अलहदा, अच्छा यहाँ पे रडार भी लगे हुए हैं, उन्होंने छुपा छुपा के लगाए होंगे। लेकिन आप लोग तो पापी हो चुके हैं ना, आप लोगों को पता होगा कहाँ पे लगे हुए। फैसल भी बैठे हुए हैं। फैसल भाई ये मिठाइयाँ लेके हैं, चाशनी खलीफा। ये जी स्पेशल सुगात है जी, बहुत जी व्यूअर्स। तो ये अपना होटल आ गया फॉर्चून ग्रैंड। वो सामने आगे मेट्रो स्टेशन है और यहीं से आगे जो है नाइफ रोड वगैरह भी नज़दीक है, जहाँ पे गोल्ड सोक सब चीज़ें हैं। म्यूजियम भी यहाँ से नज़दीक है। शाजी फुल एंजॉय भी भाई, बड़ा बहुत ही जबरदस्त। और क्या देखिए, ये देखिए ये एमिरेट्स फ्लाइट सामने टेक ऑफ किया अभी। इसके सामने एमिरेट्स का एयरपोर्ट है इधर। शाजी फिर इसका मतलब आप दुबई घूमने वाले हैं, सही मजा लेने वाले। आपने बैले डांस भी देखना है, आपने सफारी भी जाना है, आपने म्यूजियम भी जाना है, सारी वर्ल्ड भी जाएंगे आप, हर जगह तो कोई चीज़ मिस नहीं करनी, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। किस स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं, ये एक लोकल रोड है, ये कोई हाईवे या सुपर हाईवे रोड नहीं है व्यूअर्स। सिर्फ ये कि यहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन हैं, हर बंदा अपनी लेन में जाता है, यहाँ पे लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा होटल है, हियर इज द रिसेप्शन। अच्छा जी, न्यू ईयर गुजरा तो क्रिसमस ट्री बना हुआ है। ये देखिए जी, शाजी कपड़े उतार रहे हैं, अपने रूम में पहुंच गए हम लोग। ये हमारा सामान पड़ा है, हम लोगों ने सामान उठा के फेंका है। ये शाजी का बेड है, ये मेरा बेड है। तरीके से पहुंच गए शाजी, अब कपड़े शपड़े उतार के रिलैक्स टाइप हो रहे हैं। और शाजी आप अकेले थे तो आप थक जाते हैं ना, अकेले थे तो थक जाते हैं आप। अभी हमें शाजी नीचे जाके नाश्ता करवाएंगे, हमारे स्पॉन्सर है। शाजी हमारे स्पॉन्सर है, ये नाश्ता करवाएंगे। अच्छा सा नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं शाजी को जरा बाहर लेके निकलूँ, वॉक पे लेके आया जरा आपको वॉक करवाऊँ। तो उसके बाद फिर हम लोग आके रेस्ट करेंगे, फिर जरा शाम को निकलेंगे यहाँ का माहौल देखने के लिए, दुबई का माहौल। के लोग शरीफ लोग हैं, हमारे बारे में बुरा नहीं सोचता आप लोगों ने, लेकिन चलेगा यार। ये लोग देख रहे हैं, बाद में लोग कहेंगे यार ये खराब लोग हैं। आप उनको बताएं एंजॉय क्या चलेगा, मतलब हम सफारी डेजर्ट जाएंगे, घूमेंगे, डिनर करेंगे। हाँ, ये क्लियर करें साथ लोगों को बस। ये खूबसूरत चीजें, मतलब बुर्ज खलीफा हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, म्यूजियम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, इन चीजों से हम फुल एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, और बड़ा मजा आने वाला है हमें अली भाई के साथ। एक बेहतरीन लाइफ का टूर यूएई दुबई, और हम इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे और देखेंगे दुबई कि हमने बहुत तारीफ सुनी हुई थी कि एक ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन अब हम देख कर अंदाजा लगाएंगे कि क्या वाकई ये बात ठीक थी। और आप दुबई में आके जवान जवान हो गए, खैरियत है? भाई दुबई का पानी कैसे करें? अच्छा, आपने पी लिया, इसका मतलब पानी आते साथ दिया आपने गाड़ी में, है ना? स्टार्ट पानी पिए। और बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बड़ी मज़ेदार मेरी फ्लाइट रही, टाइम पे डिपार्चर, टाइम पे अराइवल, और सीधा अब हम होटल में आ गए हैं। और नेक्स्ट फर्दर अभी हम नाश्ता करने जाएंगे, उसके बाद फिर जो भी होगा अपने व्यूअर्स को साथ साथ दिखाएंगे हम किधर हैं।